हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और हम लोग अभी जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो कि मंथली हम हमेशा करते हैं। वो इस बार बहुत लेट हो गया क्योंकि हम लोग फर्स्ट वीक में ही कर लेते हैं मंथ के, बट इस बार सब लोग बीमार थे होली के टाइम पे, तो इसलिए नहीं कर पाए, तो थोड़ा लेट हो गया। तो अभी जा रहे हैं और ग्रॉसरी शॉपिंग पूरा मंथ का एक साथ में कर लेते हैं, और वो डीमार्ट से ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है और अच्छा खासा ऑफ़र भी मिलता है। तो ये हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पे ही है। तो कहाँ जा रहे हो अकेले ही? नो नो नो, हाथ के चुक जाता, हाथ के चुक जाता बेटा। कहाँ जा रहे हो अकेले? हमारी खुशी आ गई। और मैं वीडियो में बहुत कम आती हूँ, इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे भी कभी कभी वीडियो में आने दो, क्योंकि मैं हर टाइम कैमरा पकड़ के रखती हूँ, तो बच्चे या हस्बैंड या यही ज़्यादा आ पाते, मैं नहीं आ पाती हूँ। इसलिए मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर के लिए आप पकड़ो। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ नीचे की साइड में सारे जो भी गेम है वो रहते हैं, बट अभी बच्चे थोड़े बीमार अभी रिकवर हुए हैं, और अभी मस्ती उनको करवा दिया तो वो और बीमार ना पड़ जाए, वो बहुत उछल कूद करेंगे, इसलिए हम लोग ये चीज़ यहाँ से स्कीप ही कर रहे हैं, उनको नहीं देखने दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है। उनको पता है, बट हम लोगों ने कैसे न कैसे करके कन्विंस कर दिया कि आपको जो चाहिए वो दिला देंगे, तो वो मान गए, ज़्यादा परेशान नहीं किया। और यहाँ पे हम लोग आते ही पहला काम यही करते हैं, बैग सबमिट करना रहता है एंटर होते टाइम पे, तो हम लोगों ने बैग सबमिट कर दिया और वो एक टोकन देते हैं, वो ले लिया है साथ में। और फिर उन बच्चों को ट्रॉली में बिठाते, नहीं तो पूरा बिखेर देते हैं, इनको ये चाहिए वो चाहिए करते रहते हैं। तो ट्रॉली में बिठाने के बाद वो एक जगह कैद हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो यहाँ के गार्ड्स ने बोला कि वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं फिर आगे आ गई हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं घर आके दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और ये केक वाले हैप्पी हैप्पी पार्ले के बिस्किट रहते हैं, जो कि बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। और वुमन हॉर्लिक्स लिया है, और ये राइस लिए है, मैंने लास्ट टाइम ख़त्म हो गए थे, मैं ऑनलाइन मंगवाया जो बहुत गंदे निकले, और ये मैं हर टाइम यही लाती हूँ, बट ये ऑनलाइन में नहीं थे, तो इसलिए ऑनलाइन में नहीं मिले, तो हमें मजबूरी में जो मिल रहे थे बिरयानी राइस ही चूज़ किए, बट फिर भी वो पता नहीं कैसे अच्छे नहीं आए, बिल्कुल अच्छे नहीं बनते थे। वो जो खीर बनाते हैं वो आधे राइस वैसे वाले राइस दे दिए, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो पड़े ही हैं अभी तक, मैं सोचा उसे कभी खीर बना लूँगी। बच्चे थोड़ी देर के लिए ट्रॉली में बैठते हैं, फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें बाहर निकलना है। और ये अच्छा है यहाँ का कि कोई रोक टोक नहीं रहता, जो चीज़ आपको पहननी है पहनो, तो ये हर बार आती है, इसी का 2-3 चश्मे तो उठा ही लेती है, फिर हम लोग बिलिंग के टाइम पे धीरे से निकाल देते हैं, वो अलग चीज़ है, पर उठा लेती है और टैग के साथ में पहन के मस्ती कर रही है। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, हमारी शॉपिंग हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं लेना था इस बार, लास्ट टाइम का ही पड़ा हुआ था, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं लेना था। और शॉपिंग हम लोगों ने कर ली, ट्रॉली वहीं रख देते हैं नीचे ही, क्योंकि ऊपर नहीं लेके आ सकते। और हम लोग ऊपर खाने के लिए आ गए हैं, कुछ ना कुछ इवनिंग का स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेंगे, और ज़्यादा भूख भी नहीं है, थोड़ी सी है, तो देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। और इसी का भी ये टेबल के ऊपर खड़ा रहना है, बच्चों की मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती, और इसी का बैठती तो फिर खुशी को तो चाहिए ही चाहिए, किसको जो मस्ती कराओ मेरे को भी कराओ, तो ये भी ऊपर बैठ गए इसके साथ में, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हस्बैंड कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ मैं सबसे ज़्यादा हम लोगों ने वड़ा पाव खाया, पूना में आके हम लोगों ने जितना वड़ा पाव खाया ना, उतना ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, इतना मतलब यहाँ का फेमस भी यही है, सस्ता भी यही है, और टेस्टी भी यही चीज़ लगती है हम लोगों को, तो बच्चे भी खा लेते हैं, मतलब अंदर का मसाला निकाल दे तो ऊपर का पाव वगैरह वो खा लेते हैं ईज़िली, तो यही ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। और खुशी का तो फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज़, वो जहाँ पे भी जाती है रेस्टोरेंट में या जहाँ पे भी, उसको फ्रेंच फ्राइज़ ही ऑर्डर करना रहता है, तो उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर दिया था, और उन दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है। और आइसक्रीम के लिए बहुत जिद करते हैं, बट अभी थोड़े रिकवर अभी हुए हैं, तो हम लोगों ने आइसक्रीम तो नहीं दिलाई है इनको। और अभी हम नीचे वापस जा रहे हैं, क्योंकि जो भी सामान लिया था उसका बिल तो करवाना ही, नीचे रख दी थी हम लोगों ने ट्रॉलिया एक कोने में। और यहाँ पे मूवी थिएटर के लिए सेक्शन बना हुआ है, ये गेमिंग जोन है, यहाँ पे गेम खेल सकते हैं, 1000 रुपये का कुछ कार्ड मिलता है, बट अभी बच्चे छोटे हैं इन चीज़ों के लिए, उनको इतनी समझ नहीं है कि कैसे खेलना चाहिए,
तो हम लोग ये चीज़ें उससे दूर ही रखते हैं। और हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं, ऋषिका अपने इसको कोई डर नहीं है, किधर भी चले जा रही है अकेले ही। फिर यहाँ पे फिश मसाज होती है, ये सारी फिश है ना पैर डाल के रखना रहता है, वो मसाज करती है अच्छे से, तो वो देखने जाती है, वो हमेशा उसका फेवरेट है, तो वो देखने जा रही है। और अभी हम लिफ्ट से नीचे की तरफ आ गए हैं और अभी हम घर आ गए। मैं दिखाती हूँ आपको हमने क्या क्या लिया। ये एक तो राइस का पैकेट लिया 5 kg का, और 2 5 kg के ऑयल के पैकेट लिए हैं। ये अभी इस बार अच्छा ऑफर चल रहा था तो 2 लेके आ गए। ख़राब तो होते नहीं, 1 ईयर की एक्सपायरी है। और ये बच्चों के लिए जब भी जाते कुछ ना कुछ टॉय लेते हैं, ये एक बचा हुआ था, बाकी तो डीमार्ट के सारे टॉयज ले लिए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे ख़रीदने लायक। ये एक चीज़ हम कब से सोच रहे थे, बट अभी बच्चे छोटे हैं और इसकी बॉल्स बहुत ही टाइट लगने का डर रहता है, इसलिए लिया नहीं, बट इस बार ले लिया। और ये डोसा का बैटर लेके आई हूँ 2 पैकेट, और ये वुमन हॉर्लिक्स है, बच्चे और मैं और दूध के साथ में पीते हैं तो उसके लिए ये तो एक कंपल्सरी है। और एक हल्दी ख़त्म हो गई थी, और ये एक फेस मास्क है जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, मेरे पास दूसरा है। और ये मैं कब लाई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अब बच्चों को हैबिट कराऊँ कि खुद से दूध पीना सीखे, या खुशी तो एटलीस्ट सीखे उसको डाल के दूध तो खुद से पकड़ना, तो देखते हैं वो कितना कर पाती है। और ये मेरे फेवरेट चीज़ है, आगरा के पेटे, राजस्थान में बहुत मिलते हैं ये। और मेरी आवाज़ के लिए मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि ये सही होने का नाम ही नहीं ले रही है कब से की। और ये नेप्थलिन बॉल्स है, थोड़े कॉकरोच भी हो रहे हैं घर में तो मैं डाल रही हूँ। और 2 पनीर लेके आई हूँ, 2 दिन पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी, 1 दिन पालक पनीर, 1 दिन मटर पनीर बन जाएगी। और ये इस बार कलर लिए हैं, वाटर कलर है। खुशी को बहुत मन था, छोटी थी तो बहुत इनसे कलर करती थी, घंटों घंटों वो करते रहती थी इससे, तो अभी बहुत टाइम बाद लिए हैं। और ये स्वीट्स जितनी भी वो मेरी फेवरेट है, दूध पेड़ा और ये काजू कतली मुझे ही पसंद है, तो मैं लेके आई हूँ मेरे लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए। और ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स है, ये काजू है और ये पिस्ता है, थोड़ा थोड़ा दिए तो खा लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं खाते बट कभी कभी थोड़ा थोड़ा। और ये बादाम है, ये थोड़ा। और ये चॉकलेट बच्चों को यही देती हूँ मैं, और कोई सी भी नहीं देती, जेली वाली है तो चिपकती नहीं है। और ये एक बाउल लिया है, मेरे को थोड़ा ठीक लगा तो मैंने सोचा एक लेके देखते हैं, सही लगा तो और लेंगे। और ये वेफर्स वाली चॉकलेट है, ये भी कभी कभी ज़्यादा परेशान करे तो दे सकते हैं। और उसके बाद में ये तो मैंने आपको दिखाया था। और ये खाकरे बहुत टेस्टी लगते हैं, हम हॉस्टल में थे तो बहुत खाते थे, जब रात में जल्दी खाना मिल जाता था रात भर भूख लगती थी तो खाते थे उसके लिए। और ये केक है इवनिंग स्नैक्स के लिए, बच्चों के इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ उनको चाहिए रहता है, तो ये लाई। और उसके पास एक बॉटल है, और ये थोड़े स्टिकर्स बच्चों को पसंद थे तो वो स्टिकर लेके आई। और बाकी ये सारा सामान है जो भी है, मैगी और चिप्स वगैरह, कुछ ज़्यादा नहीं था इस बार बट फिर भी ठीक है। आपका बॉल ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा। और वो हाँ अब गिरा, थोड़ा दूर से दूर आओ, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नीचे से बेटा टूट जाता कुछ भी, ओए फ्री रखना और नीचे से फेंकना नीचे से फेंको बेटा, नीचे, ओके नीचे, ऊपर से नीचे का बेटा। और जो ये वाटर कलर लाई थी दोनों के बीच में रख दिए हैं, और एक एक बुक दे दी है पुरानी कि थोड़ी देर ये टाइम पास कर ले और इसमें लगी भी रहे, तो देखते हैं कितने दिन इस चीज़ का क्रेज़ रहता है। थोड़ा पानी सूख गया था तो मैंने बोला थोड़ा सा पानी और डाल दो, तो ये थोड़ी देर तो करेंगे अच्छे से, मस्ती से कर रहे हैं। और ये ऋषिका आजकल बहुत परेशान करने लगी, बहुत मस्ती खोर होने, दीदी को हम लोगों ने मना कर दिया कि उसको मारना नहीं है कभी भी, तो इसका ये पूरा फायदा उठाती और इतनी मस्ती करती है ना उसके साथ में। थोड़ा जोर से डालो, थोड़ा पास से, ओए ओए ऐसे ऊपर से नहीं नीचे से,
और अभी नेक्स्ट डे हो गया और सब्जी मैंने पालक पनीर की बनाई थी तो मैंने दिखाई नहीं आपको रेसिपी, क्योंकि मैं एक बार बता चुकी हूँ तो सेम से मुझे लगा बोर लगेगा इसलिए मैंने नहीं बताई है। और ये ब्रेकफास्ट में मैं जो कल खाकरे लेके आई थी, मेरा बहुत मन था खाने का, क्या बना है कुछ अलग सा, ये वाला सबको खिलाती हूँ, बहुत टेस्टी लगेगा, ये देखते ही मुँह में पानी आता है। तो ये मैं ऐसे खाकरों के ऊपर थोड़ा सॉस डाल के थोड़ी सी नमकीन जो भी आपके पास है वो डाल देंगे। और यहाँ पे हम लोग दोनों ही शॉर्ट्स बना रहे हैं और ये शिका आ जाती है, बहुत ही क्यूट सी लगती है तो हमको बहुत हंसी आ जाती है। वही किराना में क्या कर ले हो, क्या कर रहे हो? ओए ओए डोंट फाइट डोंट फाइट। खुशो आपको कुछ नहीं हुआ बेटा, इशिका को है। खुशो पहले इशिका को करने दो, स्टीम लेने दो अच्छे से स्टीम, फिर उसके बाद में आपका टर्न। खुशो फिर बाद में आपका टर्न आएगा। इशिका नहीं, इतना जल्दी नहीं होता, थोड़ी देर सूंघने दो उसको, थोड़ा और मुंह नीचे करो। हाँ अच्छे से सूंघो सूंघो। अब मेरा टर्न। ये पानी लिया और उसमें विक्स डाला है और स्टीम ले रहे हैं, थोड़ा सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रहा इसलिए। गरम हुआ? आप ठुंगो? हाँ इस। हाँ अच्छे से सुनो इशिका, बहुत देर। अरे एक बार से नहीं होता है। खुश हो आपको कुछ नहीं है बेटा, चलो इसको होने दे फिर मैं आपको। अरे अरे बस। और बच्चे बहुत दिनों से बीमार पड़ रहा है तो मैं सोची कि मैं भी बहुत दिनों से ठीक होना है, कुछ भी हो जाए सब साम दाम दंड पे सब ट्राई करेंगे। तो स्टीम लिया है पहले हम लोगों ने, और अभी मैं नमक जो बड़ा वाला होता है वो नमक और उसमें अजवाइन डाल के उनको गर्म किया और कपड़े में डाल दिया, अब उससे सेक करेंगे। मम्मी ने और यही बोला मेरी मम्मी ने और दीदी और सब कि जितना घरेलू होम रेमेडीज यूज़ करोगे उतना ही सही है, मेडिसिन से तो कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो लेके देख लिया है तो नहीं हो रहा है, तो अभी इशिका को थोड़ा सा इससे सेक कर रहे हैं ताकि कफ निकल जाए। ओके गाइज, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।